ये अब भूख से उसकी फटी पड़ी हुई है, भूख इतना लगा हुआ है उसका। अब ये खुद जाएंगे वो। अब एक कबूतर और बकरी के बच्चे में मार, ये डर रहा है लेकिन चलो एक ये बच्चा क्या सीन देख लीजिए आप लोग। ये पूछ देखो उसके नोचने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बच्चा नोच नहीं पाएगा क्योंकि इसकी खुद फटी पड़ी हुई है। और देखो उसकी तो और फटी गई है। ये वह उसको ये क्या कर रहा है भाई, बस हो गया हमें लगता। ये गुलाब जिसे आप देख लीजिए निकल चुका हुआ है तुरंत चल दिन हुआ से। ये यहाँ इसका स्टंप है, एक स्टंप दो स्टंप तीन स्टंप निकला हुआ है। और इसकी रूट को देख लीजिए आप लोग, एक रोज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये मैं अपने ब्लॉग को ये अपने कबूतर को देखो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कहीं अलग ही चला गया है। और ये उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन जो ट्रेनिंग है ये वो इनकी फेल हो रही है क्योंकि वो लगातार भटक रहा है कबूतर। वो कहीं पर भी जा रहा है, बुला कोई और रहा है लेकिन जहाँ जा कहीं और रहा है। तो वो बंदा कन्फ्यूज़ हो गया है। कबूतर को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वहाँ पर है। और वो देखो ऐसा लगता है कोई चाइनीज़ शब्द बोला जा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो बंदा वो क्या करे, ये अब भूख से उसकी फटी पड़ी हुई है, भूख इतना लगा हुआ है उसका। अब ये खुद जाएंगे वो। अब हाँ ऐसे ये देखो ये भाई साहब पहुंच चुके हैं वहाँ पर। मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ वहाँ पर, ये जूम दिखा तो उसको खाना खिलाने की खिला रहे हैं और इसको यहाँ लेकर आएंगे अब। और ये यहाँ पर रख दिए, अब शायद आ जाए। हाँ अब आ जाएगा, भूख ऐसी चीज़ है जो इसको कहीं से कहीं ला मतलब कोई ले जा सकता है उसे। तो ये कबूतर आ चुका है यहाँ, अब इसको देखो ये खिलाया जा रहा है। ब्लॉग स्टार्ट हुई, आप लोग लाइक करते रहें, लाइक करते रहें। हाँ चलो चलो।